एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है कार्बो एनिमलिस। मैंने लास्ट वीडियो पे कार्बो वेजिटेबलिस के बारे में बताया था, तो अभी नेक्स्ट वीडियो पे मैं कार्बो एनिमलिस के बारे में अभी बताने वाली हूँ। तो चलिए इसका कॉमन नेम जानते हैं, वो है एनिमल चारकोल। तो इसके स्फीयर ऑफ एक्शन पे चलते हैं। तो स्फीयर ऑफ एक्शन का मतलब ये मेडिसिन कौन कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करता है। तो वो है हेड पे, ईयर्स, रेस्पायरेटरी सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड एक्सट्रीमिटीज। इतने सारे हैं इनके स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में। तो चलिए अब हम इसके डिजीज सिम्टम पे चलते हैं। तो पहला है हेड। तो हेड पे अगर चलेंगे तो हेड में इनका ऐसा है कि हेडेक बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है। इनको ऐसा फील होता है हेडेक के टाइम पे कि इनके हेड के सारे टुकड़े हो जा रहे हैं, पीसेस में बढ़ जा रहे हैं। तो ऐसा इनका हेडेक रहता है, बहुत ज़्यादा सीवियर। देन अगर ईयर में आएंगे तो हियरिंग में इनको थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रहेगा। लाइक ऐसे पेशेंट्स को, स्पेशली कार्बो एनिमलिस्ट जो पेशेंट होते हैं, हियरिंग में इनको इतना ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि ये एकदम से बता नहीं पाएंगे कि कहाँ से जो आवाज है वो आ रहा है। तो ये वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा इनका सिम्टम रहता है ईयर में। देन अगर हम इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलेंगे तो इनका सिम्टम ऐसा है कि लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल आते ही इनको बहुत ज्यादा फीमेल्स में लाइक एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा वीक फील करेंगे, बहुत ही ज्यादा। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो रहा है, चाहे वो उनको डायरिया हो, चाहे उनको ल्यूकोरिया हो, ल्यूकोरिया मीन्स जो व्हाइट डिस्चार्ज होते हैं, तो वो भी हो चाहे। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हो रहे हैं ड्यूरिंग ल्यूकोरिया और डायरिया और मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये बहुत ज्यादा वीक रहते हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड रहते हैं। इतना ज्यादा वीक और एग्जॉस्टेड रहते हैं कि ये मतलब बात भी नहीं कर पाएंगे, इतना वीक रहते हैं ये लोग। तो ये था इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देन अगर हम इसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे चलेंगे तो इनका जो सर्कुलेशन है लाइक हार्ट में, तो वो थोड़े से स्टैग्नेंट रहता है। और तो ये है इनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देन अगर नेक्स्ट हम चलेंगे इसके एक्सट्रीमिटीज पे, तो इनके जितने भी जॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा वीक रहता है। इवन ये थोड़ा सा भी अगर जैसे कहीं चलना फिरना थोड़ा ज्यादा हो गया तो इनको एकदम तुरंत स्प्रेन हो जाएगा। लाइक स्पेशली इसमें ये दिया गया है कि इनका जो वीक रहता है, स्पेशली जो जॉइंट है वो एंकल जॉइंट में ज्यादातर वीकनेस रहता है, और जो स्प्रेन होता है ना वो ज्यादातर एंकल जॉइंट में ही होता है। तो ये था इनका एक्सट्रीमिटीज के बारे में। देन हम इनके चलेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम में ऐसा है कि इनका चेस्ट में जो है वो पेन रहता है। देन प्लूरेसी। प्लूरेसी का मतलब लाइक जैसे कि लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं वहां पे इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है, दैट इज प्लूरेसी। तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये था इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये सारे थे डिजीज सिम्टम। देन हम अगर मोडेलिटीज पे चलेंगे तो मोडेलिटीज में इनका एक ही एग्रावेशन पे ही इनको इनका एग्रावेशन ही एक ही चीज इसमें दिया गया है, जो कि मतलब कि ये जो इनके जो कंप्लेंट्स हैं ये कब कब बढ़ जाते हैं, तो ज्यादातर आफ्टर मिडनाइट, इस टाइम पे ही उनका ज्यादातर जो कंप्लेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये था इनका मोडेलिटीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये था कार्बो एनिमलिस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे एक नया टॉपिक लेकर के। तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।